अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप समेत क्वारंटाइन हो गए। उन पर कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। उनके एक करीबी सलाहकार होप हिक्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राष्ट्रपति के भी कोरोना पॉजिटिव होने का शक है। होप के पॉजिटिव आने के बाद ट्रंप दंपत्ति ने गुरुवार देर रात टेस्ट करवाया है। ट्रंप ने गुरुवार की देर रात कहा कि वह क्वारंटाइन में जाएंगे क्योंकि उनकी एक सलाहकार पॉजिटिव पाई गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित लड़की की मौत के बाद उसके परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया। देर शाम ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उनके और कांग्रेस के 200 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के इकोटेक वन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है। मुकदमा धारा 144 का उल्लंघन करने तथा महामारी के दौरान आम लोगों का जीवन संकट में डालने के आरोप में IPC की धारा 188 और धारा 269-270 के तहत दर्ज कराया गया है। मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल में एक बार फिर से बड़े उलटफेर हो गए हैं। मुंबई इंडियंस की जीत ने उसे पहले पॉइंट टेबल पर शीर्ष पर ला दिया है। वहीं लगातार दो मुकाबले हारने के बाद पंजाब की टीम छठे नंबर पर पहुंच गई है। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स, तीसरे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स और चौथे नंबर पर राजस्थान रॉयल काबिज है। सभी टीमों ने दो दो मैच जीते हैं। क्या आपको पता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार बैंक नोट पर कब छपी थी? 50 साल पहले महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के मौके पर पहली बार 100 रुपए मूल्य के बैंक नोट पर राष्ट्रपिता की तस्वीर छापी गई थी। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद ये महसूस किया गया कि ब्रिटिश राजा की तस्वीर को महात्मा गांधी की तस्वीर से बदला जाना चाहिए। 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी के चित्र वाला पहला 100 रुपए का नोट जारी किया, जिसमें गांधी जी को सेवाग्राम आश्रम के आगे बैठा हुआ दिखाया गया था। इसके बाद 1987 में राष्ट्रपिता की तस्वीर बैंक नोटों पर नियमित तौर पर छापे जाने लगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मंगलवार को दावा किया कि हाथरस में 19 साल की युवती के साथ रेप नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि युवती की मौत गले में चोट लगने और उसके कारण हुए सदमे की वजह से हुई है। कुमार ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट से ये भी साफ जाहिर होता है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था। यूपी पुलिस के बयान के मुताबिक हाथरस में बालिका के साथ दुराचार की घटना को लेकर प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट, दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो अथवा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में हुए गहन परीक्षण की रिपोर्ट, तीनों में बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने शो द कपिल शर्मा शो का नया प्रोमो शेयर किया है, जो बेहद मजेदार है। इसमें एक्टर मनोज वाजपेयी और फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा बतौर गेस्ट नजर आएंगे। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि बच्चा यादव यानी कीकू शारदा और सपना यानी कि कृष्णा अभिषेक एक न्यूज चैनल के एंकर बने हैं। इसके बाद उन्होंने मनोज वाजपेयी की भी बोलती बंद कर दी। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। CBI, NCB और ED जैसी बड़ी एजेंसियां केस की जांच कर रही है। इस केस की गुत्थी बॉलीवुड ड्रग्स एंगल पर पहुंच गई है, लेकिन अब तक एक्टर की मौत का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। ऐसे में सुशांत का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। दिवंगत अभिनेता के जीजा विशाल सिंह ने अब एक थ्रोबैक फोटो शेयर करते हुए सवाल पूछा है कि क्या सुशांत को न्याय मिलेगा। अभिनेता मुकेश खन्ना का 90 के दशक में लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक शक्तिमान आने वाले समय में 3 फ्रेंचाइजी फिल्मों के माध्यम से दोबारा इस किरदार में लौटने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभिनेता ने कहा, ये मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। शक्तिमान भारत का पहला सुपर हीरो था, है और हमेशा रहेगा, और मैं खुद भी उन्हें सुपर टीचर कहकर बुलाता हूँ। मैं खुश हूँ कि हम एक धमाके के साथ दोबारा अपनी वापसी कर रहे हैं। इन 3 फिल्मों में से पहले की शूटिंग साल 2021 के दूसरे चरण में शुरू होगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा रेखा ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिलों में राज किया। एक्ट्रेस जल्द ही टीवी स्क्रीन में दिखाई देने वाली है। बड़े पर्दे में कई सालों तक हिट फिल्में देने वाली एक्ट्रेस अब टीवी में डेब्यू करने जा रही है। यह शो 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और इस सुबह शाम वाली हल्की ठंडक के मौसम में वरुण धवन ने इस महीने के नाम पर बनी फिल्म अक्टूबर को याद किया है। ये एक अनूठी प्रेम कहानी पर बनी फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया। हालांकि क्रिटिक्स से मेकर्स को काफी तारीफें मिली। वरुण धवन ने फिल्म की तस्वीरें शेयर की है, जिनमें से एक में वो खुद नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में उनकी को स्टार बनीता संधू नजर आ रही है। तस्वीरों के कैप्शन में वरुण ने सिर्फ अक्टूबर लिखा है।